वहां सैंपल स्पेस निकालना जरूरी हो जाए। तो दोनों चैप्टर एक ही बार समाप्त आपका हो रहा है। अब आप बनाकर लाएंगे तो फल फिनिश हो जाएगा। कहाँ है आप तो कहाँ बना रहे हैं आप लोग? तो इतना आजकल प्रेशर में है कि उसके चलते हम प्रभावित हो गए। आप उसका सोचने का समय मिल रहा है, अब बनाने का समय मिल रहा है, भोगना भोगल और बढ़ देखिए। क्वेश्चन है फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स। लॉट समझते हैं, ए लॉट, ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स। और उसमें हाँ बल्ब का ढेर हो गया, मतलब बल्ब जो है एक जगह कोको है। इट इंक्लूड 6 डिफेक्टिव्स, जिसमें 6 खराब है। ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। यहाँ विथ रिप्लेसमेंट है, यानी कि इसको वो फॉर्मूला काम करेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट रहता तो वो नहीं करता। ठीक है, तो कह रहा है कि 30 बल्ब है जिसमें 6 क्या है, खराब है। 4 बल्ब बारी बारी से उसमें से निकाला जाता है। फाइंड द क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो डिफेक्टिव बल्ब के संख्या का क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, तो जिसका निकालना है वही सफलता हो गया। और उसी को हम एक्स मानेंगे, उसी को क्या मानते हैं, अब वो हो गया रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए ट्रायल कितना हुआ। कह रहा है कि 30 बल्ब है, 100 बल्ब खराब है, 4 बल्ब बारी बारी से निकाला जाता है। बिल्कुल ठीक, 4 बल्ब निकाला गया, पहला निकाला गया रख दिया गया, दोबारा निकाला गया रख दिया गया, दोबारा निकाला गया रख दिया गया, 4 बल्ब ट्रायल हुआ, 4 बार प्रयोग हो रहा है। इस सवाल में होंगे एन बराबर 4, अब एन समझ रहे हैं। अच्छा, अब पी का अर्थ हुआ क्वालिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल।